हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप? और मेरी आँख में पता नहीं क्या चला गया, क्या नहीं, बहुत ही ज़्यादा चुभ रहा है। मतलब कि तो आज है संडे, और संडे का आज का जो वीडियो है ना, यहाँ से देखो कैसे सनलाइट आ रहा है ना मेरे पे, ये देखो बहुत अच्छे से सनलाइट आती है बाहर से। तो आज संडे है, और संडे का हमारा ऐसा कुछ प्लान तो है नहीं, और आज है हमारा फास्ट। तो देखेंगे अभी आगे क्या क्या होता है। ब्लॉग की स्टार्टिंग तो कर दी है मैंने, तो मैं एग्जैक्टली तो बता नहीं सकती कि आज के वीडियो में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं, बिकॉज़ मैं ना मॉर्निंग से ही शुरुआत कर देती हूँ अपने ब्लॉग की वीडियो की, और इस वजह से ना दिन भर में क्या होगा क्या नहीं ये तो मुझे पता नहीं होता है। तो चलिए आगे जो होगा सो होगा, उसको तो हम ऐड ही करेंगे। और हाँ, हमारा ना आज पता है, हम कल घर भरने के लिए, सॉरी घर भरने नहीं, भूमि पूजन के लिए गए थे ना। तो हमारे घर से जो हमारा एलोवेरा का प्लांट था, पौधा था, वो किसी ने लेके चले गए। मतलब वो जो बकेट आता है ना, उसका कुंडी वगैरह, वो उसके साथ पूरा लेके चले गए। पता नहीं कौन ले गया कौन नहीं, तो मुझे अभी दोबारा से लगाना पड़ेगा एलोवेरा का प्लांट, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लगता है वो। उसके बिना तो मैं, मतलब मैं स्किन पे अप्लाई करती हूँ, हेयर पे अप्लाई करती हूँ। बच्चे जो है ना नहा के खेलने में लग गए हैं, और मेरा क्लीनिंग वगैरह तो सब कुछ हो गया है, सिर्फ कपड़े वगैरह वॉश करने हैं, तो वो मैं अभी कर लूँगी। तो अभी मैं बच्चों के लिए रखूँगी चाय। चलिए, बिकॉज आज है संडे, संडे के दिन हमारी ये होता है कि संडे के दिन बिस्किट खाएंगे चाय में, तो दोनों बच्चे चाय लेते ही लेते हैं, तो उनके लिए बिस्किट और चाय बनाऊंगी। चलिए तो फिर चाय बनाते हैं। तो आज मैंने ना वाइट कलर की साड़ी वेयर करी है, और मैं स्वेटर निकाल लेती हूँ, अभी इतनी ज़्यादा ठंड तो है नहीं, तो मैंने मॉर्निंग से ही पहन लिया था स्वेटर। ट्राइपॉड पड़ून चल रहा था। तो ये देखिए, ये है मेरी आज की साड़ी, वाइट कलर की है पूरी। ग्रे कलर है इसमें, ग्रे कलर के, और इसके इसके ऊपर जो ब्लाउज है ना, वो भी ग्रे कलर का ही था, बट वो मुझे मिला नहीं, तो मैंने ये वाला वेयर कर लिया। और इसकी जो ये है ना अस्तिन, वो बहुत ही ज़्यादा अम्ब्रेला टाइप है, मतलब। तो ये देखिए, तो चलिए फिर अभी चाय करते हैं, फटाफट से चाय बनाते हैं, बच्चों को चाय पीने की तलब आ गई है। चलिए चलिए। नहाने के बाद ना मैंने हाथों में बॉडी लोशन नहीं लगाया है, तो ज़्यादा ही रूखी रूखी सी त्वचा लग रही है मेरी, बॉडी लोशन लगाना पड़ेगा यार। चाय उबल रही है हमारी, ये देखिए यहाँ पर बस थोड़ी सी चाय रखी है मैंने दोनों बच्चों के लिए। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को चाय दे दी है, और मैं अभी कपड़े धोने के लिए जाऊँगी, क्योंकि हमारा फास्ट है ना, तो हम हमारे इस फास्ट में चाय भी नहीं चलती है, तो बस पानी से ही काम चलाना है आज पूरे दिन भर। तो आप देख सकते हो बच्चे जो है ना यहाँ पर चाय पी रहे थे, और चाय के साथ बिस्किट, और मैं ले जा रही हूँ कपड़े वॉश करने के लिए। और मेरी तबीयत भी इतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे आज वीडियो बनाने का भी मूड नहीं कर रहा था, बट अभी क्या कर सकते हैं, मेरी ड्यूटी है ये एक तरह से। और आज मैं ब्रेकफास्ट में कुछ बनाने नहीं वाली हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना बिस्किट खाने के बाद थोड़ी देर से उनको रात की पड़ी हुई जो खिचड़ी है वो ही गर्म करके दे दूँगी, और मुझे मंदिर भी जाना है कपड़े वॉश करने के बाद,
तो ये देखिए मैं आ गई हूँ मंदिर में। तो ये हमारे घर के बगल वाला ही मंदिर है, तो यहाँ पर है महादेव जी का मंदिर, महादेव भगवान का, और भोले भगवान का ही ये व्रत होता है। तो मैंने जो व्रत किया है ना, वो व्रत भोले भगवान का ही होता है। तो मैं यहाँ पर दूध और पानी चढ़ा रही थी, और यहाँ पर ना मेरे साथ खुशी आई है, तो खुशी ने शूट करा था। और आप मेरी तबीयत देख ही सकते हो, मेरी आवाज़ ना बहुत ही बुरी निकल रही है यार, क्या कर सकते हैं अभी। चलिए अभी घर चलते हैं। तो आ चुकी हूँ मैं घर पर। अभी अभी गई थी मंदिर में, और वहाँ से आते आते ही ना रास्ते में मुझे यहाँ की जो लेडी है उन्होंने ये दिए है स्टिच करवाने के लिए। ये देखिए ब्लाउज, तो एक ये है, और ऐसा ना ऐसा सेम पीस मेरे पास भी है फ्रेंड्स। तो ये देखिए एक ये वाला दिया है और एक ये वाला है, तो पर्पल कलर का है ये, और ये एक नेवी ब्लू है। तो ये दो ब्लाउज स्टिच कराने हैं, और उसका ये वाला ये मेजरमेंट के लिए ये ब्लाउज दिया हुआ है जो कि मैंने ही स्टिच किया है। तो चलिए अभी इसको काट लेते हैं। शाम के लिए ना मेरे हबी ने सब्जियाँ लाए थे, क्योंकि अभी तो फास्ट है बट रात को तो बनाना ही पड़ेगा। तो टमाटर लाए हैं, और ग्रीन पीस जो आती है हरी मटर वो लाए हैं उन्होंने, और आलू लाए हैं। तो मैं वही वॉश कर रही थी, तो शाम तक पता नहीं, देखूंगी अभी मैं वीडियो कब तक कंटिन्यू करती हूँ कब तक नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने आलू निकाल लिए हैं और ग्रीन पीस भी। तो ग्रीन पीस को मैं वॉश नहीं करूँगी, क्योंकि उनके तो अंदर से छिलके ही निकलने हैं ऊपर से, और अंदर से दाने निकल जाएंगे, तो दाने जो है ना वो वॉश कर लेंगे। तो मैं आलू वगैरह भी जो है अच्छे से वॉश कर लूँगी, आप देख ही सकते हो। और ये नए आलू है ना, तो उनकी चमड़ी जो है पूरी सी मतलब बनी हुई नहीं है ना, तो पूरी मिट्टी मिट्टी लगी हुई थी। तो मैं उसे नख से निकाल के खुरेद खुरेद के निकाल रही थी। और आज ना हमारा जो एकादशी के बाद जो ये आता है ना, तो वही वाला फास्ट है। आप लोगों को शायद से पता भी होगा, प्रदोष बोलते हैं, तो प्रदोष का फास्ट है हमारा, और हम दोनों पकड़ते मतलब मेरे हबी और मैं, हम दोनों का है फास्ट। तो उस फास्ट में ना कुछ भी नहीं चलता है, ना चाय ना दूध ना फ्रूट्स वगैरह, सिर्फ पानी पे हमें फास्ट करना होता है। तो ऐसा फास्ट है हमारा आज का, सिर्फ पानी पर, उसमें कुछ खाया नहीं जा सकता। तो ये देखिए ये आलू है नए वाले, तो इनके छिलके देखिए, आप मैं हाथ लगा रही हूँ ना तभी से निकल रहे थे। और अभी मुझे एक ब्लाउज का कटिंग करना है। तो अभी मुझे ना एक ब्लाउज स्टिच करना है। ओके, ब्लाउज स्टिच नहीं करना है, उसकी कटाई करनी है पहले, तो फिर स्टिच करने का सोचेंगे। तो ये देखिए ये है पीस, तो मैं इसे कट कर लेती हूँ और फिर स्टिच करूँगी। तो चलिए फिर अभी इसकी कटाई जो है ना वो कर लेते हैं। ओके, मैंने कटाई वगैरह करके और फिर मशीन पे बैठ गई थी, क्योंकि मुझे आज खाना तो बनाना नहीं था, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो आज ही स्टिच कर लेते हैं। तो मैं स्टिच करने के लिए बैठ गई थी, और देखिए स्टिच करने के लिए अगर बैठी ना होती तो मेरा एक ब्लाउज जो है ना कंप्लीट नहीं होता। तो मेरा यहाँ पर ब्लाउज जो है ना कंप्लीट हो चुका है, तो
तो मैं मेरे व्लॉग का भी एंडिंग यहीं पर कर लेती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।